कर्नाटक के गुलबर्ग में आधुनिक सुविधाओं से युक्त ईएसआई अस्पताल और चिकित्सा कॉलेज परिसर का किया उद्घाटन। हरीश रावत ने संभाली उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कमान, रावत के अलावा 11 मंत्रियों ने भी ली शपथ। रांची की सीबीआई अदालत ने 2012 में हुए राज्यसभा चुनावों में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सीता सोरेन के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई के दिए आदेश। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, किसी भी जनहित याचिका पर तभी विचार किया जाएगा जब वो निजी मकसद से प्रेरित न हो। मुंबई के यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन का तोहफा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने भारत की पहली मोनोरेल का किया उद्घाटन। थाईलैंड में हिंसा और विपक्ष के बहिष्कार के बीच चुनाव आज, सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने मतदान को बाधित करने और प्रधानमंत्री यिंगलक श्रीनिवासरा को इस्तीफा देने का अभियान जारी रखा।